महोत्सव के माध्यम से हम उन महान हस्तियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया है। इसी कड़ी में पेश है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कहानी। जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सफल सत्याग्रह के बाद भारत लौटे। स्वदेश लौटने पर बंबई के लोगों ने व्यवसायी जहांगीर पेटिट के आलिशान भवन में भव्य स्वागत समारोह में बापू का स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका में इतर संवैधानिक आंदोलन का नेतृत्व करने और कानूनों की अवहेलना के बावजूद गांधी जी को भारत में ब्रिटिश सरकार से भी स्वागत मिला। इसका कारण था कि जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने संघर्ष किया वो जितना राजनीतिक था उतना ही मानवीय भी था। गांधी जी का सम्मान करने में ब्रिटिश सरकार भी भारतीयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शामिल हो गई। उन्हें 1915 की ब्रिटेन नरेश जन्मदिन सम्मान सूची में कैसरे हिंद गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए समुचित समय लिया। अपने राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के मार्गदर्शन में गांधी ने एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि में भारतीय स्थितियों को समझा और एक वर्ष के लिए जनता के प्रश्नों पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए। एक वर्ष की इस अवधि में गांधी जी ने स्वयं को व्यक्तिगत और सामाजिक सुधारों तक सीमित रखा। उनका ये संयम जहां आंशिक रूप से स्वयं पर लागू मौन के कारण था, वहीं आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण कि वे अभी तक भारत की स्थितियों का अध्ययन कर रहे थे। एक वर्ष पूरा होने के बाद गांधी जी ने अपने आप को पूरी तरह देश की आज़ादी के लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दिया।